तो आपने बहुत मेहनत की है, आपने इधर उधर से देखा है, आपने ट्यूटोरियल्स देखे हैं एंड योर वेबसाइट इज़ नाउ रेडी। और अभी आपको ये वेबसाइट अपने दोस्तों को दिखाना है और शो ऑफ करना है, तो उसके लिए आपको एक लिंक भी तो चाहिए होगी इस वेबसाइट की, जो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। सो हाउ टू गेट दैट लिंक? अगर आपने थोड़ा सा रिसर्च किया तो आपको पता चला होगा कि आप गिटहब पे अगर आप फाइल्स अपलोड करते हैं तो आपको उसके लिंक फ्री में मिल जाती है। तो आज हम वही देखेंगे कि कैसे हम गिटहब पे अपने फाइल्स अपलोड कर सकते हैं और एंड वी कैन गेट अ डोमेन नेम फॉर फ्री। ठीक है, तो उसके लिए आपको थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। अब जैसे कि ये मैंने मेरी जो HTML फाइल है इसको मैंने नाम दे के रखा है रैंडम साइट। ठीक है, तो इसको आपको सबसे पहले रिनेम करना है टू इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स ही आपको इसे नाम देना है इस साइट को। तो ये इंडेक्स आ गया और इसमें जो भी आपके इमेजेस वगैरह यूज़ हुए हैं वो मैंने एक सेपरेट फोल्डर में डाल के रखा है इमेजेस नाम का। इट्स जस्ट टू स्टे ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, और कभी कभी अगर आप इमेजेस यूज़ कर रहे हो वेबसाइट में, तो कभी कभी जब अगर आप ऐसे करते हो तो नॉर्मली ये काम कर जाता है आपके लैपटॉप में, पर कभी कभी ये गिटहब पे काम नहीं करता है। सो उसके लिए आपको जहाँ पे भी ये सोर्स है इसके सामने आपको एक डॉट और फॉरवर्ड स्लैश लगा देना है। इट विल मेक श्योर कि ये हमेशा काम करेगा आपके साइट में। ठीक है, तो ये हो गए अपने बेसिक चेंजेस टू द फाइल्स। पहला चेंज क्या है कि HTML को इंडेक्स रिनेम कर देना और इमेजेस के सामने उसके सोर्स के सामने डॉट और फॉरवर्ड स्लैश लगा देना। माय फाइल्स आर रेडी टू बी अपलोडेड। नाउ वी विल हेड बैक टू गिटहब। ठीक है, तो अगर आपने गिटहब पे अकाउंट नहीं बनाया तो बना लो, इट्स सुपर यूजफुल प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो एक बार आपका अकाउंट बन जाएगा देन यू विल सी समथिंग लाइक दिस। यहाँ से आपको जाना है आपके न्यू बटन पे। दिस विल क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी। रिपोजिटरी एक टाइप का प्रोजेक्ट समझ लो, एक टाइप का फोल्डर समझ लो आपके गिटहब पे। आपको आप इस पे अपना पूरा का पूरा कोड डाल सकते हो अपने रिपोजिटरीज पे। ठीक है, तो नाउ वी विल क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी फॉर अवर न्यू वेबसाइट। तो सबसे पहले तो आपको रिपोजिटरी को नाम देना है। सो आई विल गिव अ वेरी क्रिएटिव नेम कॉल्ड एज रैंडम वेबसाइट। ठीक है, तो ये तो हो गया रैंडम वेबसाइट। आप इसमें डिस्क्रिप्शन वगैरह डाल सकते हो, इट्स एन ऑप्शनल थिंग। एंड आफ्टर नेमिंग योर वेबसाइट और रिपोजिटरी, सॉरी, यू कैन जस्ट हिट क्रिएट रिपोजिटरी। अब आपकी एक नई रिपोजिटरी बन जाएगी। ठीक है, विल सी समथिंग लाइक दिस। इसके बाद आपको क्लिक करना है अपलोड एन एग्जिस्टिंग फाइल्स, क्योंकि हमने फाइल्स ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। After clicking this, now all you have to do is select all these files and drag these here. ठीक है, अभी अपलोड होगा, जल्दी हो जाएगा, कोई टाइम नहीं लगेगा इसमें। एंड एज सून एज इट विल गेट अपलोडेड आपको यहाँ पे एक इनिशियल कमिट दे देना है। ये बस एक मैसेज, जैसे ही आपने इसे डाला, ये आपने इनिशियली सबसे पहले ये फाइल्स डालेना। So we can just write initial commit. ठीक है, and as soon as you will click this commit changes, ये upload हो चुके हैं, and as soon as you will create click this commit changes, your files will be saved in GitHub. अभी हमें इससे एक link generate करवाना है. So how can we do that? ठीक है, उसके लिए आपको कुछ नहीं, जाना है आपके settings में. ठीक है, settings में गए, then go to your pages. Here is pages. पेजेस में गए तो आपको यहाँ पे एक ब्रांच सिलेक्ट करना है जिस ब्रांच से आपको वेबसाइट बनाना है। ठीक है, अगर मैं आपको कोड में वापस जाके दिखाऊँ, सो यहाँ पे ये जो अपना पूरा कोड है ये एक समथिंग कॉल्ड एज मेन ब्रांच में है। ठीक है, ब्रांचेस, मेन ब्रांच। ठीक है, तो हमें वही इसे बताना है कि अपने जो मेन ब्रांच में जो कोड है, सेटिंग्स में, पेजेस में, यहाँ पे हमें बताना है कि जो कोड अपना मेन ब्रांच में है उससे हमें वेबसाइट बनाना है। So just select this main branch and hit save. Now after 2 to 3 minutes, maximum 5 minutes, आपकी वेबसाइट रेडी हो जाएगी अगर आपने सारे स्टेप्स बराबर फॉलो किया है तो। लेट्स चेक इट बैक। ओके, सो आफ्टर 5 मिनट्स माई लिंक इज जनरेटेड। अगर वो अभी भी जनरेट नहीं हुए तो आपको एक आध बार रिफ्रेश मार के देखना है, आपकी लिंक आ जाएगी। ठीक है, वहीं पे सेटिंग्स में, पेजेस में, यहाँ ऊपर आपकी लिंक आ जाती है। अगर आप इसे क्लिक करते हैं then you have your link with your username. Link is something like this, with your username.github.io or repository ka naam, which was random website. And you can see the link is working very fine. All the images are loading up here.
एवरीथिंग इज लुकिंग गुड। आप बस चाहिए लिंक को कॉपी कीजिए, अपने कॉलेज ग्रुप में डालिए, अपने दोस्तों के ग्रुप में डालिए और शो ऑफ कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस। थैंक यू।